तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं बाटी का आटा, उसके लिए आटा लिया हुआ है। और इसमें हम डाल देंगे ये बेसन। बाटी लगाने के लिए मोटा आटा लें आप, और बेसन हमने आधा कटोरी से थोड़ा कम बेसन डाला है। और अगर आपका आटा बारीक है तो आप उसमें सूजी डालें। तो यहाँ पे एक कटोरी में सूजी डाल रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, और ये जाएगा सोडा, खाने वाला सोडा है एक चम्मच, ये पाउडर, ताकि जो बाटियों का कलर अच्छा आएगा। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाटियों के आटे में जाएगी ये अजवाइन, और इसको इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। मौन लगाने के लिए घी डाल देंगे इसमें, ये बढ़िया देसी घी इसमें जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से हमें इसको मौन को मिक्स करना है दोनों हाथों से। हमने दूध डाल लिया है, और अगर मलाई हो तो वो भी डाल दें आप, इससे बाटियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती है। पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें, एकदम से ज़्यादा ना डालें, और गूंथ लेंगे इसको। बाटियों का आटा हमें थोड़ा सख्त चाहिए होता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथ के। हमारा बाटी का आटा इकट्ठा हो गया है, सारा समेट लिया है, और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मांड रहे हैं आटे को। और आटा आप देख सकते हैं एकदम बहुत ज़्यादा ना टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आटा। बाटियों का उपलों को हमने जला के रखा था पहले से, बाटियां भी तैयार हो गई हैं, और अब हम इनको डाल दें। बाटियों को हमने सिकने के लिए डाल दिया था, अब जो बाटियां सिक गई हैं उनको हम निकाल लेंगे। उनको हमने दोनों तरफ से अच्छे से पलट के सेक लिया है। बाटियों को हमेशा हल्की हल्की आंच पे सेकना चाहिए, अगर ज़्यादा आंच तेज होगी तो ये बाटियां जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो सभी लोग यहाँ पे अपनी दाल बाटी और बैंगन का चोखा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी देसी स्टाइल वाली दाल बाटी बनी थी, और सबने बहुत इन्जॉय किया, सबको बहुत पसंद आई, और सबने मिलजुल के ये दाल बाटी बनाई थी। तो टेस्ट तो इसका बहुत बढ़िया था। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।